सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका घर है या फिर कोई दुकान है या कोई ऐसी लोकेशन, यदि कहीं हम जा रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो दुकान कहाँ पर है, किस तरीके से है, उसको आप लाइव किस तरह से देख सकते हैं, उस दुकान कैसी दिखती है, घर कहाँ है आपका, किस लोकेशन पे है, किस पेड़ के पास है, किस मोड़ के पास है, किस किराने की दुकान के पास है, इस तरह से दोस्तों लाइव बिल्कुल आप किस तरह से अपने दुकान को, घर को या फिर किसी भी लोकेशन को, आप जिसको भी देखना चाहते हैं उस लोकेशन को आप किस तरह लाइव देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए बने रहें इस वीडियो पे, बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह आप आपका जो घर है उसको लाइव एकदम देख सकते हैं, या आपकी कोई दुकान है या फिर किसी लोकेशन में आप जा रहे हैं उसको आप देखना चाहते हैं लाइव, तो आप किस तरह उसको लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपका जो फ़ोन है, आपको फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाएंगे आप इस तरह से। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ इस एप्लीकेशन को आपको आपका जो फ़ोन है उस पर इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका डाउनलोडिंग लिंक जो है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह आप एकदम लाइव लोकेशन को देख सकते हैं, एकदम लाइव अपना जो घर है या फिर आपकी कोई दुकान है या फिर किसी प्लेस में आप जा रहे हैं, कहीं गार्डन है या कुछ भी हो, उसको आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इस तरह से आप चाहें तो इसको घुमा भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी प्लेस आप सर्च करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ तो मेरे घर के पास एक किराना की दुकान है, जनरल स्टोर है, तो कि मैं उसको आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया, ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ तरीके से, तो ये आप देखेंगे एकदम ये जो डॉट बन के आ रहा है, पिन बन के आ रहा है रेड कलर से, ये इसने बता दिए कि यहाँ पर है। अब इस तरह से मुझे यहाँ पर जूम करते जाना है, ये आप देखेंगे एक एक गली, एक एक रोड, एक एक मोड़ जो है वो सारा कुछ यहाँ पर मुझे दिखा देगा कि कहाँ पर ये दुकान है और जो भी आसपास घर है, यहाँ पर मेरा घर भी पास में ही है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये दिखा रहा है इस तरीके से, ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारे घर के पास में डबल रोड है, एक ये रोड है और एक ये रोड है, आप अगर देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे, ये डबल रोड यहाँ से दिखा रहा है इस तरह से, ये अंदर आया यहाँ से और फिर ये किराना का दुकान है हमारे यहाँ पर, तो ये किराना स्टोर दिख गया। और फिर यहाँ पर ये हमारे घर के पास एक मैरिज गार्डन है तो वो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपना घर देख रहे होंगे तो आपको उसका कोई ना कोई जो लैंडमार्क होता है वो तो पता ही होगा, जैसे कि अब देखिए मेरा जो घर है उसके पीछे एक मैरिज गार्डन है, तो यहाँ पर वो मैं देख सकता हूँ कि ये मैरिज गार्डन है और यहाँ पर एक टंकी बनी हुई है मैरिज गार्डन में, ये तो ये टंकी भी दिख रही है, यहाँ तक कि गूगल अर्थ पर आप देख सकते हैं कि ये टंकी तक दिखा रहा है, ये एक टंकी बनी हुई है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब आपको मैं और भी कुछ लोकेशन दिखा देता हूँ कहीं की डाल के, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दिखता होगा, किस तरह से लोकेशन है, कौन सा रोड कहाँ जाना है, ये पूरा पूरा आपको यहाँ पर गूगल अर्थ पे एक रोड, एक एक मोड़, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देगा किस तरह से है, क्या बना हुआ है उस गार्डन में, कहाँ पर क्या लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि यदि ये मेरे घर के पास एक गार्डन जो है, शादियाँ होती हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर एक टंकी बनी हुई है, तो ये देखिए एकदम टंकी को भी ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है यहाँ पर कि ये एक टंकी है पानी की, तो इस तरह से। तो अब देखिए मैं दूसरी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मैं डालता हूँ, यहाँ पर आधारताल पुलिस स्टेशन, ये देखिए मैंने ये डाला, जैसे कि
अब आप देखिए, ये मेरे को आधारताल थाना जो है, मैं जहाँ की मैं आधारताल में रहता हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश आधारताल में। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोकेशन आ गई है। ये जो पिन दिख रहा है आपको यहाँ पर रेड कलर का, ये पिन जो दिखा रहा है यहाँ पर है। अब देखिए इसको मैं इस तरह से ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम करने के बाद यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है इस तरह से। देखिए ये रोड दिखा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर ये जो है ये हमारे घर के पास ये थाना है, और यहाँ पर ये एक बैरियर लगा हुआ है वो भी दिखा रहा है, और इस तरह से ये तिराहा है, ये तिराहा भी दिखा रहा है। एक रोड यहाँ को चली गई, एक रोड यहाँ को। एक एक चीज़ क्लियर है, डिटेल में है दोस्तों। यहाँ पर थाना पड़ता है, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी पेड़ वगैरह लगी हुई वो सब कुछ दिखा रहा है। गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका घर है या फिर दुकान है या फिर किसी भी प्लेस को आप एकदम लाइव देख सकते हैं उसको गूगल अर्थ पर इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे ये जो लाइक बटन आप देख रहे हैं इसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।